सुप्रीम कोर्ट में आज तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। महुआ ने शीर्ष अदालत में कदाचार की वजह से लोकसभा से अपनी सदस्यता खत्म होने के खिलाफ याचिका दायर की है। टीएमसी नेता की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। महुआ मोइत्रा की सांसदी जाने के बाद से ही इसे वापस हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले रही हैं। महुआ मोइत्रा ने बुधवार को अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख हासिल करने के लिए काफी कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया कि शीर्ष अदालत उनके मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध पर विचार करने वाली है। महुआ को पिछले शुक्रवार कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने एथिक्स कमेटी के फैसले को मनमानी बताया था, जिसने निष्कासन की सिफारिश की थी। लोकसभा में महुआ मोइत्रा को निष्कासन करने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें ध्वनिमत से मंजूरी हुई, पारित किया गया इसे, और इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। लोकसभा की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट्स लिए थे। इसके बदले में महुआ ने अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन डिटेल्स को हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। कमेटी ने महुआ की इस हरकत पर उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में संसद की सदस्यता जाने को चुनौती दे दी है और उनका कहना है कि उन्हें एथिक्स कमेटी के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति तक नहीं दी गई। महुआ ने सांसदी जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए एक बार फिर से सदस्यता बहाल की जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो महुआ की वापसी लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ही हो पाएगी। महुआ ने अपनी दाखिल याचिका में जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच से सुनवाई के लिए पिटीशन दिया है। मोइत्रा ने बुधवार को अपनी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी आश्वासन दे दिया कि शीर्ष अदालत तत्काल इसे लिस्ट करेगी सुनने के लिए। और महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में अयोग्यता को चुनौती देने के साथ आचार समिति के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात प्रमुखता से की है। अब बात करें कि महुआ की सांसदी क्यों गई, तो आपको पता है कि पैसे लेकर संसद में अडानी के खिलाफ सवाल पूछने, कारोबारी हीरानंदानी के कहने पर सवाल पूछने, अपने संसद का जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो हीरानंदानी से साझा करने, महुआ के नाम पर हीरानंदानी ने सवाल पोस्ट किए, ये आरोप हैं उनके ऊपर, और दुबई में 47 बार महुआ के अकाउंट से लॉगिन किया गया, हीरानंदानी के खर्चे पर कई बार विदेश यात्राएं उन्होंने की, ये भी आरोप लगाए गए हैं, और हीरानंदानी से उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए, बंगले का रिनोवेशन तक कराया, ये आरोप उनके ऊपर लगे हैं। पूरे कैश फॉर क्वेरी केस को अगर आप ध्यान में लाएं तो जो किरदार हैं उसमें जाहिर तौर पर महुआ मोइत्रा अहम है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है। किसने आरोप लगाए? सबसे पहले शिकायत की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और दर्शन हीरानंदानी, जो कि बिजनेसमैन है, जो दुबई में रह रहे थे जब लॉगिन पासवर्ड साझा किया गया, तो वो भी इस केस में सामने आए। दूसरी तरफ जय अनंत देहाद्राय महुआ मोइत्रा के खिलाफ उन्होंने ही सबूत दिए और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। लेकिन क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, इस पर नज़र बनी रहेगी। आज सुनवाई होनी है, देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।